सिर दर्द के लिए तो बादाम रोगन पियो, बादाम रोगन सिर में लगाओ और बादाम रोगन नाक में डाल लो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, सिर दर्द ठीक हो जाता है, माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। अरे साहब, किसी किसी को तो इतना ज़बरदस्त माइग्रेन पेन होता है, मैंने सिर बांधना पड़ता है, ऐसा लगता है फोड़ लो, और फिर भयंकर उनको स्टीराइड तक लेने पड़ते हैं, तब जा करके पेन किलर्स, बड़े खतरनाक। बादाम रोगन पियो, बादाम रोगन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा देसी बादाम से बना हुआ है, वो आपको देते हैं अपनी दिव्य फार्मेसी की ओर से, लिया करो। बादाम रोगन बच्चों को एग्जाम के टाइम पर भी पिलाया करो, उससे बच्चों का ब्रेन बड़ा शार्प हो जाता है और थकता ही नहीं है दिमाग। देखो, दो तरह की थकान होती है ना, एक तो शरीर की थकान, एक होती है दिमागी थकान। तो शरीर की थकान तो खाने पीने की चीज़ों से मिट जाती है, दिमाग की थकान में ये खास तत्व होता है बादाम रोगन मेधावटी, ये जिन दिमागी थकान के लिए ना, जिन जिनको बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करना पड़ता है ना, ऑफिस में, फिर पढ़ाई के समय, फिर जो कॉरपोरेट हाउस में जो बड़े बड़े पदों पर हैं, जिनको का ब्रेन से बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ना जिनको, उनको ही मेधावटी दिया करो, बहुत अच्छा है। और गर्मियों में थकान ज़्यादा होती है तो उसके लिए अमृत रसायन भी बहुत अच्छा है, दिमागी थकान के लिए और शारीरिक थकान के लिए भी, दोनों के लिए। खैर, तो माइग्रेन पेन के लिए बताया। ऐसे जिनको मिर्गी के एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं ना, कहीं इसको वाय बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं, अपस्मार बोलते हैं, उसके लिए मेधावटी और अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करने से मिर्गी के दौरे भी दूर हो जाते हैं एपिलेप्सी के, और नींद भी अच्छी आती है। वैसे जिनको नींद अच्छी ना आती हो तो वे जटामासी, सर्पगंधा, सौंफ बराबर ले लो, जटामासी, सौंफ, सर्पगंधा, इसका पाउडर कर लो, और 1 से 2 ग्राम खाने के बाद सोने से पहले ले लो, करीब 1 घंटा पहले ले लो, अपने आप इसका असर हो जाता है और एकदम बहुत अच्छी नींद आती है। वैसे अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम करने से भी नींद अपने आप अच्छी आ जाती है, जिनको नींद नहीं आती है ना, तो सोने से पहले कर लिया करो, तो सोने ऐसे बिस्तर में गए, थोड़ी देर बैठ के अनुलोम विलोम कर लो, ओंकार या गायत्री का ध्यान भी साथ में हो जाएगा, वैसे तो आप एकदम सहज होकर के करो ना, तो करते करते ही नींद आ जाती है, अनुलोम विलोम लगातार करो ना आंख बंद करके और कपालभाति। एक अंदर से संगीत सा झंकृत होने लगता है और अपने आप नींद आ जाती है।